सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 25। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो आपको लाइफ भर याद रखनी है, क्योंकि ये आपका कैलकुलेशंस आगे जाके लाइफ में आसान करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ईजी, और अच्छे से करना आप लोग इसको। आपको दिया है प्रैक्टिस सेट 25। प्रैक्टिस सेट 25 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होने से पहले मैंने आपको एक चीज़ दिया है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको अपने बुक में बना लो। आपने बॉड मास सुना है? बॉड मास, BOD, बॉड MAS, मास। ये क्या होता है? आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दे रहेंगे जो इजी होते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में इजी रहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करने का, इसका स्टेप क्या है, कहाँ से शुरू किया जाए इसको, ठीक है। पहले हमेशा ये लिख लेने का आप किधर भी, सबसे पहले जितना भी ब्रैकेट रहता है ना, ब्रैकेट क्वेश्चन में जितने भी ब्रैकेट रहते हैं उसको सॉल्व करने का। बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है। ओ मतलब ऑर्डर्स ऑफ, ऑर्डर ऑफ मतलब इसी ऑर्डर में आपको जाना है। ओ का इतना ध्यान मत दो, ओ इतना इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। सबसे पहले आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है उसमें अगर ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, ओ को छोड़ दो। डी से फिर आपको कोई डिवीजन दिखता है तो उसको सॉल्व करो, वो हो जाएगा। फिर एम मल्टीप्लीकेशन दिखता है उसको सॉल्व करो, उसके बाद एड एडिशन दिखता है उसको सॉल्व करो, और लास्ट में अगर कोई सब्ट्रैक्शन माइनस साइन दिखता है तो उसको सॉल्व करो। समझ में आ गया? वंस अगेन, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करने का, फिर ओ को छोड़ दो, फिर डी से डिवाइड करने का अगर दिया रहेगा तो, फिर अगर मल्टीप्लाई दिया है उसमें तो मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद जितने भी एडिशन वाले रहेंगे उसको करना है, एंड बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये बना लो, इंपॉर्टेंट है ये, अगर आ गया तो तुमको कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सक्यूज मी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। इसको आपको और सिंपल, मतलब एकदम सिंपल, सिंप्लीफाई मतलब एकदम सिंपल, छोटा करके बताना है। शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, 50 × 5 / 2 + 24, ठीक है। एकदम मूर्ख जैसे तुरंत शुरू मत हो जाना, 50 × 5 करना, फिर डिवाइड बाई 2 करना, फिर +24 करना, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको रूल बताया कैसा करना होता है। अब इसमें सबसे पहले देखो, ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट है क्या? नहीं है, छोड़ दो, ओ को छोड़ दो। फिर क्या होता है? डी, डी मतलब डिवाइड, आपको डिवाइड करना होता है। इसको मैं पहले डिवाइड है ना, इसको मैं पहले अच्छे से लिख लेता हूँ, 50 × 5। ये डिवाइड बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस। ये डिवाइड बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस। +24, ठीक है, इक्वल टू, आपको कुछ याद आ रहा है? इसको कट कर सकते हैं 50 और 2 को, यस। 2 × 1 = 2, 2 × 25 = 50, है ना। 2 × 1 = 2 और 2 हाउ मेनी इज अ 50, 25 है। सो क्या बचा अभी आपका? 25 × 5 +24, ठीक है। अब क्या बचा आपका? सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस। देखो, डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लाई आता है कि एडिशन आता है? मल्टीप्लाई आता है। इसका मतलब क्या? आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 25 × 5 है, अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा 125 +24, दोनों को ऐड कर दो, हो गया सिंप्लीफाई। इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, मैंने उसको इतना छोटा करके दिखा दिया, मतलब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसे करना है? हमेशा पहले अगर ब्रैकेट दिखता है तो उसको सॉल्व करने का, फिर जो डिवाइड रहता है उसको बना के डिवाइड करने का। इसको ये भी एक डिवाइड ही है ना, 2 × 1 = 2, 25 × 2, ये भी डिवाइड ही किया है आपने। फिर जितना मल्टीप्लाई रहता है उसको करने का, फिर जितना एडिशन रहता है उसको करने का। इसमें एस सब्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। सेकेंड, हाँ अभी आपको समझ में आ रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट कहाँ पे है? 13 × 4 = 13। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, ठीक है। 52 डिवाइड बाई 2, मैं डिवाइड बाई 2 को ऐसे लिख देता हूँ पहले, −26। ब्रैकेट हो गया, फिर अभी डिवीजन करना होता है। डिवीजन है इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, 52 डिवाइड बाई 2 −26। ये डिवाइड बाई 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व करने का, 2 × 1 =
आपको मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं, 52 को भी 2 से डिवाइड करेंगे टू सिक्स 12, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन है वही की है। कितना आंसर आया मेरा 26। ये जो मैंने डिवीजन किया वो आपको रफ वर्क में करना होता है, सामने सामने मत करना, ठीक है, बाजू में करके देखो वैसे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो कितना हो गया 26, अब क्या बचा इस पूरे में, क्या बचा आपका, ऊपर 26 है माइनस 26 है ना, 26 माइनस 26, नीचे 1 है तो उसको छोड़ दो, 26 माइनस 26 कितना होता है 0। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, बस आपको ये बॉडमास रूल याद कर लो, इसको बोलते हैं बॉडमास। पहले ब्रैकेट ओ को इग्नोर करो, छोड़ दो, उसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगला वीडियो में मैं आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कैसे करना है बताऊंगा, इसको प्रैक्टिस करना।